नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ डंठल की सब्जी। सर्दियाँ आ गई हैं तो हम गोभी तो बनाते ही हैं और जो डंठल होते हैं हम उनको भी यूज़ करते हैं, तो ये सब्जी हम बनाने जा रहे हैं लेकिन हम हांडी में बनाएंगे, तो देखिएगा टेस्ट कितना अच्छा आता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया और मैंने इसके अंदर सरसों का तेल डाला हुआ है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं अपनी हर सब्जी सरसों के तेल में बनाती हूँ, आप भी कोशिश कीजिए कि सरसों के तेल में ही बनाइए। अब जैसे ही मेरा ये तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, मैं इसके अंदर ये लहसुन है इसको मैंने थोड़ा सा पीस लिया है, सबसे पहले मैं इसके अंदर ये ऐड करूँगी। और ये प्याज है इसको मैंने कद्दूकस कर लिया, मिक्सी में नहीं किया, कद्दूकस किया। आप भी कोशिश कीजिए कि कद्दूकस ही कीजिए चीज़ों को, एक तो आंखें ठीक रहेंगी आपकी और दूसरा जो मिक्सी की गर्मी होती है, मिक्सी में मैश तो करते हैं प्याज की टमाटर जो भी, बट वो इतना गर्म होता है, देखा आपने मिक्सी को कभी हाथ लगाया होगा, बहुत हीटअप हो जाती है तो उसका असर भी उन सब चीज़ों में आता है। तो कोशिश कीजिए कि हाथ से कीजिए। अब मैंने ये डाल दिया, अब हम इसमें जैसे आप मसाले डालते हैं वही डालेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर अजवाइन डाल रही हूँ थोड़ी सी, हर चीज़ में आप अजवाइन जो है वो ज़रूर ऐड कीजिए। और प्याज अब हमारा हो रहा है, इसके अंदर अभी हम नमक डालेंगे, नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। बना के जरूर देखेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। अजवाइन डाल दी है, अब मैं इसके अंदर जीरा ऐड कर रही हूँ और नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, साथ साथ हिलाते रहिए इसको। नमक डाल देंगे हम और इसको हम हिलाएंगे। डंठल में जब तक मसाला अच्छे से नहीं होगा तो डंठल का टेस्ट नहीं आता है। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 3 लौंग, ये भी मैंने ऐड कर दी, जो भी मसाला आप ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं इसको लाती रहूँगी जब तक प्याज मेरे थोड़ा सा उनका कलर चेंज नहीं हो जाता। उसके बाद हम हल्दी ऐड करेंगे, लाल मिर्च ऐड करेंगे, गर्म मसाला इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। सब कुछ वैसे ही आपने करना जैसे आप बनाते हैं, बस फर्क होगा कुकर या कढ़ाई के, कुकर और कढ़ाई नहीं होगी और हम हांडी में बनाएंगे। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया, थोड़ा सा गोल्डन हो गया है अभी। अब इसके अंदर मैं हल्दी ऐड करूँगी, लाल मिर्च ऐड करूँगी, वैसे ही ये सेम प्रोसीजर है। ये हल्दी मैंने ऐड कर दी इसके अंदर, लाल मिर्च अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, कुछ लोग स्पाइसी खाते हैं तो स्पाइसी, कुछ लोग कम खाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग। तो हम अच्छे से हिला लेंगे, इसके अंदर टमाटर हैं वो भी मैंने मैश किए हुए हैं और ये हरी मिर्च है एक मैंने डाली है इसके अंदर, ये हम ऐड करेंगे। और इसको भी हम हिलाएंगे, हिलाएंगे जब तक मसाला हमारा पकता नहीं है। अब मेरा मसाला जो है ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गया, रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डंठल ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, 2 चम्मच मैंने डाल दिया इस पर, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डाल दिया। हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको गरम मसाले को, और इसके बाद जो मेरे डंठल हैं उनको मैं ऐड करूँगी। ये देखिए मसाले का कलर कितना सुंदर आ रहा है। ये जो डंठल है ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। आलू भी मैंने काटे हुए अच्छे से धोए हुए थे और इसको हम अच्छे से जो है मिक्स करेंगे। बहुत
बहुत टेस्टी बनते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरा जो मसाला था वो सब डंठल में अच्छे से मिक्स हो गया, ये देखिए। और अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब आधे ग्लास के अकॉर्डिंग जो है पानी ऐड कर देंगे। बस पानी हमने ऐड कर लिया और अब हम इसको ढक देंगे और बीच बीच में हम इसको देख लेंगे। जैसे ये गल जाएंगे हमारे डंठल रेडी हो जाएंगे। अब मैं इसको ढक देती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद हम चेक करेंगे कि रेडी हुए हैं कि नहीं। अब मैं हांडी का ढक्कन हटा के देखती हूँ कि हमारे जो डंठल हैं वो गल गए हैं नहीं गले। तो देखिए धुआं कितना फर्स्ट क्लास निकल रहा है। मैं चेक करती हूँ, मैं पहले इनको हिला लेती हूँ और ये देखिए। अब मैं थोड़ा सा आलू एक बार दबा के देख लेती हूँ। आलू देखिए प्रॉपरली जो है कट हो रहे हैं आलू, और डंठल भी हमारे जो हैं वो तो प्रॉपरली गल चुके हैं और हमारी जो ये सब्जी है वो रेडी हो चुकी है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है, कितनी सुंदर लग रही है, और खाने में भी उतनी ही टेस्टी होगी जितनी देखने में अच्छी लग रही है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।